दोस्तों, अंतरिक्ष में आज हजारों सैटेलाइट्स घूम रही हैं। कुछ छोटी तो कुछ बहुत बड़ी सैटेलाइट्स लगातार पृथ्वी के चक्कर लगा रही हैं। लेकिन जिस तरह बाकी मशीनें होती हैं, उसी तरह सैटेलाइट्स भी होती हैं, यानी एक दिन ये भी खराब हो जाती हैं। क्या आपको पता है कि खराब होने के बाद आखिर सैटेलाइट्स का क्या होता है? तो हम आपको बता दें, जो भी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में जाती हैं, वह पृथ्वी पर भी वापस लौटती हैं। साइंटिस्ट सैटेलाइट्स को धीरे धीरे धरती की कक्षा में ले आते हैं, ताकि खराब होने के बाद किसी और सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट ना टकराए। साथ ही जब सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाना बंद करती हैं, तो वह पृथ्वी की कक्षा में खींची चली जाती हैं, जिससे खराब सैटेलाइट पृथ्वी पर कहीं भी गिर सकती हैं। यानी अगर उसे साइंटिस्ट नष्ट ना करें, तो वह किसी भी घर या इमारत पर गिर सकती है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा और उसको भी क्लिक कर लें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो बात आती है, कहां जाता है सैटेलाइट का मलबा? अंतरिक्ष से खराब हुए सैटेलाइट या फिर रॉकेट का ईंधन टैंक पॉइंट नीमो में गिरता है। पॉइंट नीमो एक समुद्री क्षेत्र है, जो धरती पर सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। नीमो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नो वन, यानी कोई नहीं। पॉइंट नीमो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच है। नीमो पॉइंट किसी भी सूखी जमीन से सबसे दूर की जगह है। इसे समुद्र का केंद्र भी कहा जाता है। अंतरिक्ष का कचरा गिराने के लिए यह जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता है। सबसे नज़दीक के द्वीप भी करीब 1,500 किलोमीटर दूर है और निर्जल है। यह किसी देश की सीमा में भी नहीं आता, जिसके कारण किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही समुद्री जीवों का भी नामो निशान यहाँ ज़्यादा नहीं मिलता। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 200 से 400 अंतरिक्ष सैटेलाइट का मलबा गिर चुका है। जब सैटेलाइट अंतरिक्ष से गिरते हैं, तो नैनो सैटेलाइटें पूरी तरह आसमान में ही जल जाती हैं, लेकिन बड़ी सैटेलाइटें पूरी तरह से नहीं जल पाती। आधी जलने के बाद वह समुद्र की गोद में दफन हो जाती हैं। अब तक पॉइंट नीमो में सबसे भारी रूसी लैब अंतरिक्ष से 2001 में गिरी थी। तो दोस्तों, सैटेलाइट के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।